जब ये बंधन में आता है तब ये तेज चौड़ा होता है। प्लांट लगाते हैं बड़े गमले में, छोटा प्लांट मत लगाइए। इस समय पौधों को भरपूर खाना चाहिए, जाड़े में कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा माथा पच्छी मत करिए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं इतने मोटे कैसे हुए, खिलाते क्या हो, ये पानी से ही फूलते। जैसा कि हमने वादा किया था अपने व्यूअर से, आपके गार्डन को एक बार फिर से दिखाना है जब ओरियो की फ्लावरिंग, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। आज मैं वो आपको सीक्रेट बता रहा हूँ जो शायद आपने ये नहीं पता किया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स समझ चुके हैं कि मैं कौन से गार्डन में आ चुका हूं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूंगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अडेनियम की बगिया, जहां पे अभी खिले हुए हैं ढेरों फूल। तो फ्रेंड, इस बगिया को मैं एक महीने पहले आके कवर कर चुका हूँ, जिस टाइम यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। जब मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी तो इसको लाखों लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों ने देखा और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोगों ने देखा, और ढेरों कमेंट आए कि सर जब भी इनके गार्डन में फ्लावरिंग हो आप एक बार इनके गार्डन में फिर से विजिट करना और हमारे को इनके गार्डन का पूरा टूर ज़रूर कराना। तो फ्रेंड, एक महीने के बाद मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ उनके गार्डन में, एक बार फिर से आ चुका हूँ लखनऊ में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे आज जितने भी फ्लावरिंग है सभी हम बातें करेंगे किस किस तरह से ये फ्लावरिंग आप भी अपने गार्डन में कर सकते हैं, किस तरह से अडेनियम को ग्रो करना चाहिए, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, ए टू जेड सारी बातें जानेंगे। और सर का जो सॉइल मिक्सचर है उसके बारे में भी डिटेल में बातें करने वाला हूँ। तो बैक टू बैक वीडियोज़ के साथ अपने चैनल पर मैं लेकर आने वाला हूँ मिस्टर अनिल टंडन जी को, जो कि लखनऊ में रहते हैं। तो आगे हम सर से बातें करेंगे किस तरह उन्होंने ये गार्डन मेंटेन किया, कितने टाइम से गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, और किस तरह से अडेनियम की गार्डनिंग उन्होंने शुरू करी। तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं अडेनियम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और लखनऊ सीरीज आशा कर रहा हूं आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी, ऑलरेडी 15-20 एपिसोड चैनल पे आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और बहुत ही जल्द पहुंचने वाला हूं गुवाहाटी, भोपाल, रायपुर, पंजाब और हरियाणा। तो बैक टू बैक सीरीज आने वाली है चैनल पे, काफ़ी सारे गार्डनर से मिलने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संजीव जी, आपका अडेनियम की बगिया में फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मिस्टर अनिल टंडन जी हमारे साथ। तो सर, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जैसा कि हमने वादा किया था अपने व्यूअर से, आपके गार्डन को एक बार फिर से दिखाना है जब हो रही होगी फ्लावरिंग। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपका गार्डन लखनऊ में है कहाँ पर? ये विशेषखंड गोमती नगर। अच्छा। मैं अनिल टंडन जी, और मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, उसके बाद मैंने अपने शौक में ये सब किया था। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपने लिए रखता हूँ, मेरे दोस्त देखते हैं। और अब जो ये फ्लावरिंग देना शुरू करा है तो आज दिन यहाँ पर एक प्रदर्शनी का वातावरण रहता है। हफ्ते में 2 दिन तो यहाँ प्रदर्शनी होती है और लोग देखते हैं। लोग कहते हैं कि ये फ्लावरिंग आती कैसे है, क्यों निकल, कैसे निकलते हैं? मेरे यहाँ तो 10 पौधों में भी 2 पौधों में नहीं दे रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी इतनी केयर नहीं है जितना थोड़ा टेक्निक है। ये टेक्निक्स क्या है इसमें, कि इसमें जो सामान्य पौधों में खाना और पानी दिया जाता है वो इसमें नहीं दिया जाता। और पौधे जो हैं वो पानी भी मांगते हैं, खाद भी मांगते हैं, केवल इनमें आपको खाद और पानी नहीं, केयर नहीं करनी है, इनको धूप चाहिए। जैसा धूप लगेगा उतना तेज है। इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें डाली जाती हैं ताकि फ्लावर आए। तो मैंने उस हिसाब से इसको कराई कि जब मैंने प्रदर्शनी लगाना है तो मैं थोड़ा सा उसमें उसका कंटेंट्स बढ़ा देता हूँ फूलों वाला। वो तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अडेनियम प्लांट, जैसे हमारे कई सारे फ्रेंड्स अपने गार्डन में लगाना शुरू कर चुके हैं और कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगिनर्स भी हैं, तो वो किस तरह से अडेनियम की गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, और आपकी तरह अगर अडेनियम की बगिया बनानी है तो किन बातों का ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है? दोस्तों, हमारे पास ये रेडीमेड बगिया नहीं थी। मुझे भी 4 पौधे मिले थे किसी से 1 इंच बड़े हुए, और वो 4 पौधों से मैंने बनाया, कोई खरीदा नहीं है। और मैंने किस तरह बनाया है उसके लिए क्या होता है कि उनको थोड़ा सा टाइम तो लगता है,
कम से कम 2-3 साल तो आप ये मान लीजिए कि आपको छोटा पौधे को बढ़ाने में लगेंगे, केवल उसके बाद आपको केयर नहीं करनी है, छोटे में भी केयर नहीं करनी है, पानी कम देना है। आजकल मई का महीना है, उसमें आप अल्टरनेट डेज में दे सकते हैं, और पानी देने के साथ में भी इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए, फ्लावरिंग का मेन ज़रूरत इसको जो है वो धूप की और पानी कम है, कम पानी में फ्लावर देगा, ज़्यादा पानी में फ्लावरिंग रुक जाएगी। उसमें क्या है कि अगर इसकी कलियां नहीं खिल रही हैं, जैसे ये कली है, इसको बोरन की कमी है, बोरन BORON बोरन, ये कलियां ना खिलने का कारण है कि इसमें एक साल्ट की कमी है। पत्तियां अगर मुरझा रही हैं, सूख रही हैं कोई में, तो उसमें ये नहीं कि पानी की कमी है, बल्कि उसके अंदर जो उसके अंदर थोड़ा सा आप इसको NPK दे दीजिए, NPK से पत्तियां बढ़ेंगी। और फूल के लिए आपको पोटास ही देना होगा, पोटास अच्छा है, 0050 भी आप डाल सकते हैं, उससे फ्लावरिंग एकदम तेज़ हो जाएगी। स्प्रे भी कर सकते हैं और दाने के रूप में भी आता है, तो अगर बड़े प्लांट है तो दाने छिड़क दीजिए, 7-8 दाने सब में। छोटा प्लांट है अब इसमें तो हम दाने नहीं छिड़क पाएंगे, ओवरफ्लो वाटर कर जाएगा, तो इसमें स्प्रे करके ही देना होगा। और इसमें जितना छोटे प्लांट होते हैं, अच्छा दूसरी एक ख़ास बात यह है कि हम जो प्लांट लगाते हैं, बड़े गमले में छोटा प्लांट मत लगाइए, क्योंकि इन्हें कंजेस्टेड चाहिए, इन्हें जितना दबाव मिलेगा उतना ये फैलेंगे, फाड़ के निकलेंगे। जिस तरह की ये प्लांट देखिए, ये कितना छोटे गमले में है, यही सबसे ज़्यादा बढ़ रहा, इसको जगह नहीं है, इसमें पूरा नीचे तक जड़ है। केवल इसमें क्या है कि ये प्लांट के हिसाब से जो है, प्लांट के हिसाब से प्लांटनर छोटा है, तो कभी भी ज़्यादा बड़े प्लांटनर में छोटा पौधा न लगाएं, जिससे कि वो ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए हमें इसमें प्लांट में जगह कम होना चाहिए, और सटा हुआ सब आता है, जितना छोटा प्लांट होगा ग्रोथ उतनी धीरे होगी। अब ये गलत लगा है, इसको हम छोटे प्लांटर में कर देंगे, ये नहीं सही है, और ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, ये सब ठीक है, ये बढ़ेंगे और इस तरह हो जाएंगे। ये सब मैंने अभी, ये देखिए कितना छोटा प्लांट है और पौधे सब बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये सबसे तेज़ इसलिए भाग रहा है कि इसको प्लांटर भी सूटेबल साइज का मिल चुका है, और इसमें इसमें जो थोड़ी और न्यूट्रिएंट्स ज़रूर दीजिए इस समय, इस समय पौधों को भरपूर खाना चाहिए, जाड़े में कुछ नहीं चाहिए, बरसात में कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 महीने के लिए इनमें आप न्यूट्रिएंट्स दीजिए। और जिप्सम आता है, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कैल्शियम वगैरह, तो जो भी होता है थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चम्मच न्यूट्रिएंट्स, एक चम्मच आप NPK 1 लीटर पानी में घोल के डाल सकते हैं, या 8-10 दाने डाल सकते हैं, दाने वाला है, और उसके बाद में पोटास अलग से दे दीजिए, NPK बाद भी आप 0050 दीजिए। इसी के साथ ही सर, मैं आपका सॉइल मिक्स जानना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सॉइल मिक्स के बारे में बताया था, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो अगर कोई बिगिनर है वो अपना सॉइल मिक्स तैयार करना चाहता है, तो उसे किस तरह तैयार करना चाहिए? मैं देख रहा हूँ कि पॉट बड़े हल्के होते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या राज है, क्या क्या चीज़ें हमें मिक्स करके सॉइल मिक्स बनाना है? वैसे सॉइल मिक्स तो मिट्टी का भी अच्छा होता है, कोई बुराई नहीं है, उसमें भी आप थोड़ी कोकोपीट 10% 20% तक डाल सकते हैं। केवल हमारी एक मजबूरी है कि हमें स्टैंड में लगाना है, वेट हल्का करना है, तो ये भी सॉइल मिक्स उसी टक्कर का है जिसमें कि मिट्टी का होता है, ये रिप्लेस करता है मिट्टी के सॉइल मिक्स को। और सॉइल मिक्स में मिट्टी नहीं होती? हमारे सॉइल में मिट्टी बहुत कम होती है, यानी 5% होती है, 10% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो गिरे ना पौधा। अगर हम प्योर कोकोपीट में लगाएंगे तो ये हिलेगा, अच्छा, और हो सकता है आंधी में गिर जाए, इसलिए प्योर सॉइल मिक्स नहीं, प्योर कोकोपीट नहीं होता है। कोकोपीट भर दीजिए, उसके बाद ऊपर के कोकोपीट में क्या डालें, हमारे व्यूअर्स से आप प्लीज शेयर करें कि कितना कितना क्या क्या डाल के सॉइल मिक्स बनना चाहिए। हम तो समझते हैं सबसे अच्छा आप 60% कोकोपीट लें, 60% कोकोपीट, 60% कोकोपीट ले लीजिए, 20% मिट्टी ले लीजिए, 20% उसमें जो है 10% थोड़ा राइस ब्रान भी डाल दीजिए, जो भी धान की भूसी होती है वो ड्रेनेज बहुत अच्छा करेगी। कोकोपीट में भी जाड़े में पानी रुकने का डर होता है, बरसात में भी रुकने का, तो इसमें हम राइस ब्रान भी लाके थोड़ा सा डालते हैं, तो उसके ऐसी 10% काफ़ी है, और बाकी 10% में खाद और न्यूट्रिएंट्स हो गई। खाद में भी आप गोबर का खाद थोड़ा डालिए, और वो भी अभी नहीं, अभी तो पत्ती दे देगा, फूल नहीं देगा, इसके बाद आप गोबर की खाद डाल दीजिए, जब बरसात आएगी तो वो ठंडक भी देगा।
और बाकी तो ये अपने आप चलता, बहुत ही हार्डी प्लांट है। सर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, जब हम बैठ के नीचे बातें कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि समर में भी आप दो दो दिन बाद पानी देते हैं इसमें। हाँ, तो उसका क्या रीजन रहता है, किस तरह वाटरिंग करनी चाहिए डेनिम के अंदर? अगर अगर मिट्टी में सॉइल है और सॉइल मिक्स है, सॉइल है जी, तो जरूर वो जल्दी सूखता है। और जो कोकोपीट है वो नीचे की लेयर नहीं सूखती, ऊपर से सूखी जल्दी लगेगी। अच्छा। केवल वो नीचे की जो लेयर है यानी 2-3 इंच नीचे, वो हमेशा ये एक दिन तक गीली रहती है। अगर हम ना भी डालें तो कोई बात नहीं, केवल ध्यान रखिए गर्मी में अगर पानी ओवर हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। आप डाल सकते हैं, डेली पानी डाल दीजिए, अगर सुविधा है तो डालिए। केवल हम नहीं इतने में कर पाते हैं तो अल्टरनेट करते हैं। आप अल्टरनेटली करते हैं, दो दो दिन में एक बार आगे डालते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन डालते हैं, तब भी पौधों में। इसमें देखिए अब ये रखा हुआ है, इसमें पानी देखिए पूरा नमी बनी हुई, ये पूरे है नमी बनी है। और दूसरा दिन है अभी, देखिए ये सूखे लग रहे हैं क्योंकि ऊपर धूप पड़ रही है। हाँ, ये वाला तो ऊपर, बट इसके नीचे जो होगा इसमें वो होगा पूरा। अब ये देखिए, अब ये जो पौधे हैं ये आराम से कितने स्वस्थ हैं, कितने चमकीले हैं, और ये एक एक में 3-3, 4-4 खा पी रहे हैं, अपने आराम से खा रहे हैं। देखिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्योर कोकोपीट में, ये बढ़ेंगे कोकोपीट में। और इनका एक एज आता है, अभी एक साल बाद ये मोटे हो जाएंगे, इस तरह ले लेंगे रूप। ये एक साल का पौधा है, ये डेढ़ साल का है, ये 6 महीने का है, 6 महीने के बाद ये बढ़ जाएगा, 6 महीने 9 महीने, बट एक साल में कुछ फर्क भी होता है थोड़ा पौधों में। और इस तरह से ये बन जाएंगे। तो इनको भी देखिए, अभी ऊपर से सूखे लग रहे, देखिए एक दिन पानी भी नहीं दिया, ये कोकोपीट है। ये देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर भी। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोको चिप्स भी डाल देते हैं ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट में ये सूख ना पाए। और इसके जड़ अगर ऊपर आ गई हैं, जैसे जड़ें आ गई, तो इनमें डायरेक्ट हीट हिट ना करें, हीट को रोकने के लिए हम ये डालते हैं। हम ये बहुत पसंद करते हैं पौधों में डालना। Nice. तो ये चिप्स है, इसमें जरूर डालिए चिप्स, गर्मियों तो में डाल देंगे। ये प्लांट हो गया आपका 6 महीने का, ये हाँ, वाला हो गया 1 साल का। हाँ, जिसपे फ्लावरिंग हो रही है ये कितना पुराना है? ये दो साल का मानिए इसको। ओके, दो तो साल मतलब फ्लावरिंग आते आते 1.5 से 2 साल के बीच में फ्लावरिंग आ जाएगी। 1 साल में तो फ्लावरिंग नहीं देगा नया पौधा, केवल उसके बाद शुरू कर देगा, 1.5 साल बाद फ्लावरिंग शुरू कर देगा। 1.5 से 2 साल के बीच में फ्रेंड्स आपको देखिए फ्लावरिंग भी आने लग जाती है। तो ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना, अगर आप सीड भी लगा रहे हैं ना तो भी आपको दूसरे साल में फ्लावरिंग देखने और के लिए। कटिंग में तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग देता है, देखिए कटिंग का पौधा है जी, और जी, कटिंग हमने लगाई है। और ये भी मल्टी पेटल रोजी वेराइटी, अब देखिए ये रोजी वेराइटी है, और इसमें आपने ये देखिए वाह, और एक में दो दो कलर। हाँ वाह, ये देखिए छोटे प्लांट में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपने ग्राफ्टिंग भी है और फ्लावरिंग भी। ये 1 साल का कम पौधा है, ये पिछले हमने लगाया था, इस बार फ्लावरिंग भी दे दिया, और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, ये मल्टी पेटल है। तो इसे किस तरह ग्राफ्ट किया सर आपने? ये कटिंग लगाई है, कटिंग हमारे पास पूरा स्टॉक लगा हुआ है, इस तरह से कटिंग हम करते हैं और लगाते रहते हैं। ये देखिए कटिंग लगी हुई है सब, ये अगले साल मई में फ्लावरिंग दे देगा। आपके पास तो पूरा का पूरा एकदम जिसे कहते हैं ना गोदाम बना हुआ है डेनियम का। ये कटिंग अभी मैंने लगाई है इसी सीजन में, ये अप्रैल की कटिंग है अभी, तो जो मैंने कटिंग लगाने के लिए सर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे कटिंग, कटिंग में इसमें जो है केवल आप बालू भरिए, ये मोरंग है, मोरंग है जो हमारे, केवल इसमें पानी ज्यादा ना हो, और फंजीसाइड का जरूर ध्यान रखिए, और इसमें अकेला फंजीसाइड डालते रहिए रेगुलर। ओके, और इसमें सभी फंगीसाइड तो जरूरी है एडेनियम के लिए, मतलब हम बदरपुर को ले लें उसमें इसको लगा दें और हाँ, फंगीसाइड का और इसका इसका जो डेप्थ है वो बहुत नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हमेशा जमीन में जाकर टच हो जाना चाहिए, ये अगर लगी हुई है तो ये टच हो है नीचे से। अच्छा, इसलिए कि इसको बिल्कुल नीचे तक पानी मिल रहा और इतना सूखा भी हो जाएगा तो हार्मफुल, अगर हम थोड़ा ऊपर कर देंगे तो पानी इतना भरा रहेगा। ओके, तो इसको पानी नहीं चाहिए, और उसके बाद ये इस तरह से दे देगा फ्लावरिंग। और ये और भी ये कटिंग आपने है सर, ग्राफ्ट कैसे की है इसको? ग्राफ्टिंग तो इसमें नहीं, ये तो कटिंग लगाई है, ग्राफ्टिंग हमने इसमें किया है, ये पौधे है ये अभी ग्राफ्ट किया है, ये अभी तो इसमें ये नीचे ओबेसम के ऊपर आपने हाँ, हाँ, दूसरा लाके इस पे ग्राफ्ट कर दिया। ये अलग अलग कलर निकालते हैं इसके, जैसे ये कलर है इस पे हम ये ग्राफ्टिंग कर देते हैं। आपने अभी तक मैक्सिमम कितने कलर्स को ग्राफ्ट किया है? मैंने 50 कलर हैं, ये सब हमारे प्लांट में, एक ही प्लांट में तो 4-5, उसकी कोई लिमिट नहीं है वैसे जी, 4 तक हमने किए हैं, 5 भी किए हैं। जितनी ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने है जिसमें चारों कलर दिख रहे हो? नहीं, वो तो नहीं होगा क्योंकि वो फूल नहीं होंगे और मैं पहचान नहीं पाऊंगा इतने बड़े जमघट में हैं, ऐसे हैं, केवल मैंने कोई उसका निशान नहीं लगाया है। और एक आध तो ये अभी 2-3 तो है, अब जैसे ये 3 डंडियां हैं इनको काट के 3 हम लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह ये बहुत आसान है। और सर ग्राफ्टिंग हमें किस समय पर करनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है? ग्राफ्टिंग तो फरवरी के बाद ही होगी, और मार्च और अप्रैल मई,
अच्छा। जून जुलाई में, जुलाई में तो खत्म ही हो जाएगी बरसात में, यही 3-4 महीने होते हैं। आजकल बेस्ट सीजन है, अभी बेस्ट सीजन चल रहा है, बेस्ट सीजन है। आजकल ग्राफ्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। और ये हमारे ग्राफ्टेड सीड हैं, ग्राफ्टेड पौधे के, इसमें भी वही फूल आएगा जो इसका अगर हमने सीड लगाया है तो यही। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम सीड इसकी कली लेंगे तो फूल ऐसा आएगा कि देसी वाला आएगा, तो ये देसी फूल है, ये देसी है, ये सिंगल पेटल देसी फूल है, भी देसी तो है ये इन्हीं का, इसका ये तो कटिंग है, देसी की कटिंग है जी। और इसमें जो पौधे हम ये इसके जो कली निकलती हैं बहुत सी अभी तोड़ी हुई हैं, तो उसमें जो बीज आते हैं वो वही देंगे, वही फ्लावर देंगे। तो जैसे अभी इसमें हम देख रहे हैं कि डबल कलर आपने किए हुए हैं ग्राफ्ट, डार्क कलर भी है, ये कलर भी है, तो इसके अगर सीड हमें मिलते हैं तो किस तरह का शेड मिलने वाला है? वही शेड मिलेगा, अगर इसमें कली निकली है तो ये मिलेगा, इसमें कली मिली है तो ये मिलेगा, सफेद में मिली है तो ये मिलेगा, वाइट मिलेगा। हमको ये मजबूरी थी कि हमको इस तरह अगर रखेंगे तो पौधे उतने नहीं आ पाएंगे, तो तिरछे रखना पड़ा। बीच में कहीं से भी जाके कोई भी पॉट आराम से निकाल दें। अब ये देखिए फ्लावरिंग, ये काला छोटे छोटे फ्लावर वाला है, ये देखिए जबरदस्त है, इसलिए कि इन पे गर्माहट थोड़ी सी जड़ पे हिट ना करे धूप। बात देख रहे हैं कि वजन आपकी छत पे नहीं आने वाला, तो ये सबसे जबरदस्त। और ये आज मैं वो आपको सीक्रेट बता रहा हूँ जो शायद आपने ये नहीं पता किया होगा।